स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एमपी बीजेपी के दिग्गजों का दबदबा कायम है। यूं तो पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश के कई दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं और चुनाव प्रचार में लगे हैं, और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज कोलकाता में परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। रविवार को मुख्यमंत्री कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान कोलकाता के पास धूलागोड़ी मोड़ से हावड़ा साउथ तक परिवर्तन रैली में शामिल होंगे और फिर आलमपुर हावड़ा साउथ में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। आम सभाओं को सीएम संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं सीएम शिवराज। परिवर्तन जो रैली है उसके दौरान मेरी 3 सभाएं होंगी रास्ते में परिवर्तन रैली के, और एक सभा हावड़ा साउथ के दानेश में होगी। वहां तो संघर्ष का चुनाव का बिगुल बज गया है और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। शर्मा जी थोड़ा सा पीछे आइए। शर्मा जी, ममता दीदी घबराई हुई भी है और बौखलाई हुई भी है, इसलिए परिवर्तन रैलियों पे हमले किए जा रहे हैं। आगे मत लो, पीछे करते हो। की हत्या की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ममता दीदी के कुशासन के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट के खिलाफ पश्चिम बंगाल उठ के खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलेगी, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बने। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन वो करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज। धूलागोड़ी मोड़ से हावड़ा साउथ तक परिवर्तन रैली में वे शामिल होंगे। आलमपुर हावड़ा साउथ में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। अब एमपी के किन किन नेताओं को जिम्मा यहां पर मिला है। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के। अरविंद मेनन प्रदेश सह प्रभारी हैं। प्रहलाद पटेल उत्तर बंगाल का जिम्मा है, इन पर भी है। नरोत्तम मिश्रा 48 विधानसभा सीटों का जिम्मा इन्हें दिया गया है। विश्वास सारंग 3 जिलों की जिम्मेदारी ने सौंपी गई है। अरविंद भदौरिया 4 विधानसभा का जिम्मा इनके कंधों पर है। तमाम सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज, और कितना अहम दौरा ऐसे माना जा सकता है इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ देर में। हमारे साथ 3 मेहमान चर्चा के लिए भी मौजूद रहेंगे। बहरहाल पश्चिम बंगाल में एमपी के नेताओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। तो पश्चिम बंगाल दौरे पर सीएम शिवराज परिवर्तन रैली में शामिल होंगे, आम सभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में एमपी के नेताओं का दबदबा, कई नेताओं को इसमें अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। तो पश्चिम बंगाल दौरे पर सीएम शिवराज आम सभाओं को भी यहां पर संबोधित करेंगे। गौरतलब है पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, और एमपी की अगर बात करें तो एमपी के कई दिग्गज नेताओं को पश्चिम बंगाल का की जिम्मेदारी मिली है। जिनमें कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश प्रभारी अरविंद मेनन, प्रदेश सह प्रभारी प्रहलाद पटेल, उत्तर बंगाल का जिम्मा इन्हें दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इन्हें 48 विधानसभा सीटों का जिम्मा मिला है। विश्वास सारंग को 3 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। और
अरविंद भदौरिया को 4 विधानसभा सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश प्रभारी, अरविंद मेनन प्रदेश सह प्रभारी, प्रहलाद पटेल को उत्तर बंगाल का जिम्मा मिला है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 48 विधानसभा सीटों का जिम्मा दिया गया है। यहाँ पर विश्वास सारंग को 3 जिलों की जिम्मेदारियां, अरविंद भदौरिया को 4 विधानसभा का जिम्मा सौंपा गया है। और परिवर्तन रैली में सीएम शामिल होंगे, आलमपुर हावड़ा साउथ में आम सभा को वो संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज धुलागोड़ी मोड़ से हावड़ा साउथ तक परिवर्तन रैली में भी शामिल होंगे, आलमपुर हावड़ा साउथ में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। अगर एमपी के नेताओं की बात करें जिन्हें यहाँ पर बड़ा जिम्मा मिला है, कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश प्रभारी, अरविंद मेनन प्रदेश सह प्रभारी, प्रहलाद पटेल उत्तर बंगाल का जिम्मा इन्हें मिला है, नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री प्रदेश के, उन्हें 48 विधानसभा सीटों का जिम्मा दिया गया है। तो इसी खबर पर हम चर्चा करते हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ गुलरेश शेख जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, आपका स्वागत है बहुत बहुत। ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुशील शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। शुरुआत में पांडे जी आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, अब बंगाल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो कई बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एक बड़े मशहूर शहर की पंक्तियां हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहवरी का सवाल। मेरा कहना ये है कि पश्चिम बंगाल इस देश का वह सेंटर है, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल के कोल इंडिया लिमिटेड का 5 साल मेंबर था यूपीए सरकार के समय। हम वहाँ की आबो हवा, मिट्टी, खुशबू, क्योंकि हर महीने मीटिंग होती थी कोल इंडिया की, मुझे जाना पड़ता था नॉर्थ इंडिया से वेस्ट बंगाल, मैंने उसको बड़े पास से पढ़ा है, परखा है, जांचा है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता था मीटिंग कोल इंडिया। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस कदर डरे हुए ममता बनर्जी से और कांग्रेस पार्टी से बंगाल के अंदर, कि उन्होंने बंगाल के अंदर 8 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा किया। मध्य प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई लोगों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के किसी भी राज्य में 8 चरण में चुनाव नहीं हो रहे हैं तो आपने पश्चिम बंगाल को क्यों उस आग में झोंक दिया? क्योंकि इनको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का केंद्र जो हुआ करता था पश्चिम बंगाल हुआ करता था, सारी कोलरीज इलाका है, इतनी अधाधुंध गर्मी पड़ती है उस इलाके में। आपने अब आने वाले समय में जो चुनाव का चरण होगा वो चुनाव जो ममता दीदी का है 4 अप्रैल, 11 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल और 5 मई, हद नहीं है। आपको 8 चरणों में 6 चरणों में चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी, 4 चरणों में चुनाव जो अन्य राज्यों में हो रहा था, जो और 4 प्रदेश है, आप करा सकते थे। लेकिन आप उनसे इतनी बुरी तरह से डरे हैं कांग्रेस से और ममता दीदी से कि आपको लगा कि अगर हम इस तरह का व्यवहार सौतेला नहीं करेंगे तो हम कैसे यहाँ कामयाब हो सकेंगे। यद्यपि कामयाबी तो इनको मिलना नहीं है, इतना भी कूट रचित ये वो तैयार कर लें। अब स्कूटी की सवारी करने स्मृति ईरानी जी चाहती हैं, अब उनसे किसी पत्रकार ने पूछ लिया, मैडम आपकी सरकार आपका राज, रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, इस पर आप क्या कहेंगी? स्मृति ईरानी जी ने कहा कि नहीं, वो क्रूड ऑयल की कीमत जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रही। तो पत्रकार, पढ़े लिखे पत्रकार से टेलीग्राफ के वो थे जिन्होंने सवाल किया, टेलीग्राफ वहां का बड़ा लीडिंग पेपर है, उसने कहा मैडम क्रूड ऑयल की कीमत इस समय ही कम है, यूपीए सरकार के समय ज्यादा थी। तो स्मृति ईरानी जी को बोलना पड़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकार से बोलना पड़ा, चलिए बंगाल के मुद्दे में बात कर। अब जब बताइए आप इस तरह से चुनाव लड़ेंगे
छह छह अभिनेत्रियों को आप सोचिए पहली बार मैंने देखा है, हद नहीं है। दक्षिण 24 परगुना का इलाका, पूर्वी मिदनापुर का इलाका, कोलकाता का इलाका, आसानसोल का इलाका, दुर्गापुर का इलाका, मैं तो कई इलाकों में वहाँ मीटिंग में जाता था, रीजनल कमेटियों में देखता था, मैं देखता था कि वहाँ के लोगों के अंदर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत पॉलिटिकल सेंस है, हर चीज को समझते हैं। और ये जिस तरह से आपने खुरापात करके और ये सोच करके कि हम छह छह अभिनेत्रियों को खड़ा कर देंगे, स्मृति ईरानी जी के साथ साथ आठ चरणों में वोटिंग करा लेंगे, जबकि अन्य राज्यों में तमिलनाडु में, केरल में, आसाम में और पुडुचेरी में आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपका सारा टारगेट पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, कांग्रेस पार्टी है, उससे हमें डर नहीं है। लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या इतना डर गए ममता दीदी से अकेले? अरे ममता बनर्जी की ईमानदारी का पूरा जो है पार्लियामेंट में मोदी जी ने बखान किया था, स्लीपर पहन के आती थी, सूती की साड़ी पहन के, जब रेल मंत्रालय की वो थी मंत्री थी तब भी उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला जनरल कमेटी में, तो देखता था क्या सहजता है, क्या सरलता है, क्या सादगी है। लेकिन दुर्भाग्य है वाजपेयी साहब कि इन लोगों ने, इनको ये लगता है कि यहाँ पर मोदी मैजिक चल जाएगा, इस तरह काम चुनाव छह आठ चरणों में करेंगे, धीरे 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 करके इनका विकेट ले लेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होने वाला जिस पिच में वो बैटिंग कर रही है। हम नहीं समझते हैं कि आठ नहीं 28 चरण में आप चुनाव आयोग के दबाव बना के चुनाव करा लीजिए, किसी भी तरह से ममता बनर्जी जी के सिंहासन को, उनके ध्रुव को आप हिला नहीं पाएंगे। क्योंकि आप अब आप देखिए मेरी बात को आपको और समझिएगा, इस पूरे बंगाल चुनाव के लिए आपने क्या किया, हायर कर लिया पीके जी को, पीके इस बार जो है वो इनके लिए राजनीति, इनके लिए रणनीति तैयार करेंगे। तो ये जितना भी गुणा भाग कर रहे हैं, इस गुणा भाग से कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप सोचिए कि जो पोस्टर बाहर हो रहा है, तो पोस्टर देख रहे थे, उस पोस्टर में इन्होंने क्या किया है साहब, दोनों अभिनेत्रियों को खड़ा कर दिया है, और उसमें कौन कौन है, रूपा गांगुली, रूपा गांगुली की वो थी कि जो टीवी सीरियल में आती थी, जो थी आपने देखा होगा धार्मिक सीरियल में आती थी, उस तरह की जिन किन अभिनेत्रियों को आपने लगा दिया है, तो आप उन अभिनेत्रियों के बल दे माँ मानुष बेटी की बात करने वाली ममता की सरकार को नहीं ला सकते, क्योंकि बड़ा मजबूत स्टंप है उनका। मैं इतना बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितना भी गुणा भाग कर ले, वहां पर ममता दीदी की सरकार फिर से बन करके आएगी। ये मैं आपको आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ। चलिए बिल्कुल, शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। शर्मा जी, एक अहम दौरा सीएम शिवराज का, जहां तक बंगाल की बात कर लें तो जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है, अगर एमपी की बात करें, अब शिवराज जी के कंधों पर कितना बड़ा जिम्मा पश्चिम बंगाल में? शर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए उनसे यहां पर संपर्क हमारा टूट चुका है। शेख साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी शेख साहब, कितना अहम दौरा पश्चिम बंगाल का? देखिए मध्य प्रदेश का जो संगठन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन है, और ये कहने में मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हिंदुस्तान का सबसे यदि सुदृढ़ सबसे मजबूत कार्यकर्ता है कहीं का, तो मध्य प्रदेश का होता है। क्योंकि इसको प्यारेलाल जी खंडेलवाल हुए, कुशाभाऊ ठाकरे जी हुए, पटवाजी हुए, इन लोगों ने अपने खून पसीने से बड़ा किया है। यही कारण है कि चाहे कैलाश जी हो, चाहे नरोत्तम जी हो, या शिवराज जी हो, सभी को विश्वास जी हो, सभी के मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वहां पर भी कमल को खिलाने के लिए जा रहे हैं, और कमल निश्चित मिलने वाला है। अब मुझसे पहले ब्रजेश भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बहुत सारे झूठ बोले, और झूठ की एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी बोलूंगा मैं कि क्वालिटी ये होती है कि जब आप झूठ बोलते हो तो झूठ बोलने में ये भूल जाते हो कि आपने कितने झूठ बोल दिए, कहाँ कहाँ झूठ बोल दिए, वो अपने आप ही दिख जाता है। देखिए इन्होंने भी कहा कि बीजेपी ने पीके को जो है वो हायर कर लिया है, बिल्कुल गलत बात है। पीके जो है वो पॉलिटिकल काम कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में, ना कि हमारे लिए कर रहे हैं। दूसरा जो पीके काम कर रहे हैं, इन्हीं के जो अलाई है डीएम के तमिलनाडु में, उनके लिए भी पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं। तो पीके को हमने नहीं हायर किया है, वो इन्हीं की जिनकी तारीफ कर रहे थे कांग्रेस की जगह, जिनके प्रवक्ता बन के बैठे थे महोदय, उन ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं टीएमसी के प्रवक्ता से चर्चा कर रहा हूँ, वे कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही पोस्टर वॉर, अरे भैया पोस्टर आपने आज देखा, आज आपके जो G20
G23 के नेताओं ने, गुलाम नबी आजाद ने जो कार्यक्रम किया, जहाँ पर शर्मा जी भी थे, वहां पर कपिल सिब्बल भी थे, जम्मू के जो कार्यक्रम हुआ वहां ना राहुल गांधी का पोस्टर था, ना सोनिया गांधी का पोस्टर था, तो पोस्टर की बात पश्चिम बंगाल में कर रहे हो आप? अरे पश्चिम बंगाल में तो मेरा भाई आपको कोई स्टेक्स ही नहीं है, आप क्यों परिजीवी बन रहे हो? वास्तव में परिजीवी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि खुद के नाम पे तो पॉलिटिक्स कर नहीं सकती, खुद तो अपना संगठन खड़ा नहीं कर सकती। ममता बनर्जी डेफिनेटली एक फोर्स है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी बार बार जो कह रहे हैं कि लोग ममता बनर्जी से डर रहे हो, कांग्रेस से डर रहे हैं, अरे भैया कांग्रेस के पास है क्या जो डराएगी किसी को भी? कांग्रेस तो खुद ही वहां पर मरणासन में पड़ी हुई है, और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस से डरेंगे? फिर ये बात कर रहे हैं कि 8 फेजेस में चुनाव क्यों है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है, तो 8 फेजेस में यदि चुनाव है तो वो बीजेपी के लिए भी है, वो कांग्रेस के लिए भी है, फिर टीएमसी के लिए भी है। जितना समय, जितना अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और नेशनल पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को तो 5-5 प्रांत कवर करने हैं जहां चुनाव है, टीएमसी को तो केवल एक ही प्रांत कवर करना है, तो उतना ज्यादा समय तो ममता बनर्जी को हर क्षेत्र को ध्यान देने के लिए मिलता है, कैनवसिंग करने के लिए मिलता है, तो आप क्यों रो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इन्होंने कहा कि हीरोइनों को उतार दिया है, अरे आता हीरोइनों को हमने उतार दिया तो आपके पास भी तो हीरोइन है, क्या नाम है, प्रियंका वाड्रा, उसको उतार दो आप। शर्मा जी जुड़ चुके हैं, शर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे? शर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी शर्मा जी, कितना अहम दौरा पश्चिम बंगाल का सीएम शिवराज के दौरे की अगर हम बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को यहां पर अहम जिम्मेदारियां जो है वो मिली हैं, अब ऐसे में सीएम का दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए पिछले 15 सालों में अगर आप देखेंगे तो कई राज्यों में जहाँ जहाँ भी चुनाव बीजेपी ने फाइट किया है वहाँ वहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक चेहरा बन के ही गए हैं, फिर चाहे बिहार चुनाव हो चाहे हरियाणा चुनाव हो, सभी राज्यों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, और ये सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में मध्य प्रदेश में कायाकल्प करने की कोशिश की। एक बात, उनका संगठन भी मध्य प्रदेश में भाजपा का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब जहाँ तक बंगाल चुनाव की आप बात करें, देखिए बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, तो उनके माध्यम से तमाम जो सेकेंड दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं उनका उपयोग भाजपा वहां पर कर रही है। क्या होता है, एक तो नेताओं की संगठन क्षमता अन्य राज्य में, हिंदी भाषी राज्य भी नहीं है, वहां पर ऐसे नेताओं का उपयोग करके बीजेपी अपनी संगठन क्षमता तो मजबूत कर रही है, बल्कि अपनी दूसरी पीढ़ी के नेताओं को भी जो है संगठन के मामले में जो है स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है। ये उसी की वो है, इसी काम देखिए सारंग को भी है, अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा तो यूपी में भी थे, वो उसी तरीके से जो है बीजेपी सारे नेताओं को जो है राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के मामले में मजबूत कर रही है। और पांडे जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि कांग्रेस, जिस तरह से मैंने चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया था कि अभी प्रदेश के किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता को यहाँ पर जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं, ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ को यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है प्रचार की, जहां तक बात है, तो कितनी उम्मीदें कांग्रेस को यहाँ से? ये अंकुश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र, जिनको मैं बड़ा विद्वान व्यक्ति मानता हूँ, डॉक्टर है और मैं इंजीनियर हूँ, मुझे दुख लगता है कम से कम इनके बौद्धिक ज्ञान को सुन करके ये नेशनल पार्टी की, देश के सबसे लार्जेस्ट पार्टी की सीनियर, एक नई नेता नहीं, एक सीनियर नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी को कहते हैं वो हीरोइन है। भाई आप कम से कम शब्दों की मर्यादाओं का ख्याल रखिए। दूसरी गंभीर आपत्ति ये है कि जिन इलाकों में आप देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो जितने भी आरोप लगा रहा हूँ मैं शपथ पत्र में देने को तैयार हूँ, चुनाव आयोग को भी देने को तैयार हूँ, और लड़ाई तो मैं लगातार लड़ता भी हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जरा गंभीरता समझिए, क्योंकि आप बड़े भौतिक स्तर के पत्रकार हैं, पूरे प्रदेश से देश में आपके नाम का डंका बजता है अंकुश जी। आप समझिए कि जिन इलाकों पे टीएमसी या कांग्रेस मजबूत है, ठीक उन इलाकों पर ही आपने चुनाव का बटनवारा कैसे कर दिया 8 क्षेत्रों में? आपने इसलिए कर दिया, देखिए हमने आपसे जो कहा कि दक्षिण परगना का इलाका, पूर्वी मिर्जापुर इलाका और कोलकाता का इलाका, यहाँ टीएमसी मजबूत है, यहाँ कांग्रेस मजबूत है, इनमें आपका 2 चरणों में चुनाव कराने से किसको फायदा मिलेगा? सीधे सीधे बीजेपी को, क्योंकि जब पहले चरण की वोटिंग पड़ जाएगी तो वोटिंग का ट्रेंड एक चरण के बाद दूसरे चरण में मतदाताओं को समझ में आ जाता है कि किसके पक्ष में वोट जा रहे हैं। 2 चरणों में कर दिया आपने, इन्हीं इलाकों को फोकस किया जहाँ टीएमसी है, और जहां पर आप कमजोर हैं, जहां पर आप कमजोर है वहां एक साथ करना चाहते हैं।
इतनी विसंगतियां हैं चुनाव में, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कि पूरी की पूरी बंगाल में जो भी चुनाव की तारीखें सेट की गई हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को, जो लोग इलेक्शन कमीशन देखते हैं, या तृणमूल कांग्रेस को, या अन्य पार्टी, जैसे अब तेजस्वी यादव जी भी वहां चुनाव लड़ेंगे, या इन पार्टी के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग ने नहीं बुलाया। आपने सिर्फ एक पार्टी से पूछा कि आपका शेड्यूल कैसा ठीक रहेगा, आपने सेटअप कर दिया। कम से कम वेस्ट बंगाल का कुछ इलाका जो नक्सलाइट इलाका है, जहां पर रात को 7 बजे के बाद आज भी लूटपाट होती है, उन चुनावों में जहां पर चुनावी हिंसा हो सकती है, उन चुनावों को ध्यान में रख करके आपको अपना शेड्यूल तैयार करना था। और दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है अंकुश जी की 1996 से लेकर 2011 तक वहां पर लेफ्ट का राज था, ठीक, लेफ्ट का शासनकाल था। इवन कांग्रेस का जब केंद्र में सरकार होता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह पूर्वाग्रह से दूसरों के कोई कार्य नहीं करती थी। और वहीं से हमारी पार्टी के सम्मानीय नेता, चाहे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब रहे हों, चाहे प्रियजन दास मुंशी साहब रहे हों, ये सारे नेता बंगाल की राजनीति से ही निकल के देश के का नेतृत्व दिए हैं। इन लोगों ने कभी भी इस तरह के एलिगेशन नहीं लगाया कि हमारे साथ कांग्रेस ने, दूसरी पार्टियों ने भी नहीं कहा कि हमारे साथ ऐसा आरोप लेफ्ट ने कहा कि कांग्रेस करती है। लेकिन जो जिस तरह से आप डर चुके हैं कांग्रेस से और ममता दीदी से, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि आप चुनाव में हार रहे हैं, आपको दूसरे राज्यों से नेताओं को बुलाना पड़ रहा है, दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद, क्या बंगाल में लोग हिंदी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वहाँ की मदर लैंग्वेज तो बंगला है, लेकिन लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। लेकिन कुछ जो ग्रामीण अंचल है वहाँ लोग हिंदी नहीं जानते हैं, जैसे आसानसोल की पट्टी के अंदर आप घुसेंगे हिस्से में, तो हमने देखा है वहाँ के लोगों से हिंदी नहीं बनती, हमें खुद लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी जब मैं मीटिंग में जाता था, बैठता था, बात करता था। तो ये चीजों को देख करके आपको हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं ने सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि ये लोग जब मंत्री बन के जाएंगे उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, दूसरा स्टेट उनको ऑलरेडी राजाधिक का दर्जा देगा, तो जब आपका राजाधिक का दर्जा रहेगा तो आपका तामझाम लौलत का पूरी तरीके से रहेगा, लाल बत्ती लगी रहेगी गाड़ी में। इन चीजों से बच करके चाहिए था कि आप फेयर इलेक्शन कराते। आप हार जीत अपनी जगह होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ममता दीदी संघर्ष करके राजनीति में आई है, ममता दीदी को या कांग्रेस के नेताओं को, जो लोग प्रियजन दास मुंशी को, सुमन मित्रा जी को वहां जानते हैं, इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है वहां की राजनीति के, वहां की खुशबू में, वहां मिट्टी पे, तो ये तो हार जीत लगी रहेगी। लेकिन कम से कम फेयर इलेक्शन होता, 8 चरणों में वोटिंग न कराते आप, तो ये एक चीज जाता ना कि आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से विशुद्ध राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया, आप बड़े बौद्धिक पत्रकार हैं, पांडुचेरी में आपने सरकार गिरा दिया, जवाब ले लेते हैं, सरकार गिरा दिया, मजबूरी शेख साहब से जवाब ले लेते हैं। जी शेख साहब क्या कहेंगे? देखिए मेरे टीएमसी वाले दोस्त ने फिर झूठ बोला, टीएमसी के प्रवक्ता ने कि बत्ती लगी रहती। आपको पता होगा कि लाल बत्ती का कल्चर मोदी जी ने खत्म कर दिया है, अब कोई भी मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, किसी के सर पे लाल बत्ती नहीं लगी थी, ये कांग्रेस की देन थी जो हमने उतार दी है। तो आप पश्चिम बंगाल की आप बात करें तो बार बार ये जिस प्रकार से ममता बनर्जी, टीएमसी और कांग्रेस बोल रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि अलायंस के पार्टनर हो, जबकि इनका अलायंस तो लेफ्ट है, लेफ्ट का नाम भी नहीं ले रहे। आप देखिए कि कांग्रेस किस स्तर पर आ चुकी है, मतलब कांग्रेस मर चुकी है ये हम मानकर चले आप। डेफिनेटली टीएमसी एक फोर्स है लेकिन डिक्लाइनिंग फोर्स है, और भारतीय जनता पार्टी राइजिंग फोर्स है। इन्होंने ये बता दिया कितनी ये हर महीने बंगाल जाते थे, इन्होंने यह भी बताया कि बंगाल में बहुत सारे क्षेत्र आज भी हैं जहां लूटपाट होती है, जहां लोगों को लूटा जाता है। इसका मतलब कांग्रेस, इनके पार्टनर लेफ्ट को जिनका गुणगान गा रहे हैं टीएमसी, इन सब ने मिलकर बंगाल को कंगाल किया है, और भारतीय जनता पार्टी वहां जा रही है स्वर्णिम बंगला बनाने के लिए। फिर उन्होंने एक बात तो गलत कही कि आज सुन लीजिए कि कलकत्ता का जो एरिया है वहां टीएमसी मजबूत है। अरे भैया मैं भवानीपुर की बात करता हूँ, भवानीपुर तो ममता दीदी 2 बार वहां चुनाव लड़ी है, आपको पता है अभी भी वहीं से विधायक के वर्तमान में भी, जब पहली बार वे चुनाव लड़ी थी तो 70% से ज्यादा वोट उन्होंने गार्नर किए थे, दूसरी बार जब चुनाव लड़ी तो वो उनका जो रेशो था वो 55% हो गया। और 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, भवानीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 5% अधिक वोट मिले टीएमसी के मुकाबले। चलिए मैं आखिरी कमेंट ले लेता हूँ शर्मा जी का। शर्मा जी आखिरी कमेंट, कितना तगड़ा मुकाबला दिखाई देगा आपको पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर लें? चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, और क्या वाकई में
आपको लगता है कि बीजेपी यहां पर जिस सपने को लेकर पहुंचे हैं दिग्गज नेता, वो साकार हो पाएगा? जी अंकुश जी, क्या बोल रहे हैं आप? जी शर्मा जी, जी मेरा सवाल यह था शर्मा जी कि आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला यहां पर तगड़ा दिखाई देगा, या फिर बीजेपी की जो बात हम कर लें कि यहां पर सत्ता पर काबिज होने का जो सपना है इस बार पूरा हो पाएगा? देखिए बीजेपी का मुकाबला तो वहां बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को या बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को टक्कर तो कड़ी दे रही है, लेकिन जिस तरीके का वहां का ध्रुवीकरण का और पॉलिटिकल जो वोट बैंक का वो हिसाब किताब है उस हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल अभी भी जो है ममता बनर्जी कहीं ना कहीं लीड कर सकती है, क्योंकि वहां का जिस तरीके का वोट शेयर है वो वोट शेयर जो है या तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद था कम्युनिस्ट का, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां बहुत कमजोर है, तो वो एक वोट बैंक जो है वो तृणमूल को ही सपोर्ट करेगा। उसका ये अभी भी संभावना बन रही है कि फाइट तो बीजेपी तगड़ी देगी, लेकिन सरकार बनने के आसार कितने हैं ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। चलिए बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, तीनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम शिवराज का ये काफी अहम पश्चिम बंगाल का दौरा है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी जो बीजेपी के प्रदेश के दिग्गज नेता हैं उन्हें भी यहाँ पर दी गई है, अलग अलग नेताओं को, और सीएम शिवराज का दौरा, यहाँ पर रैली भी वो ये करने वाले हैं, कितना कारगर साबित होता है यह दौरा आने वाले वक्त में तस्वीरें साफ होंगी। हमारी खास पेशकश में इतना ही। डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।